खबरें फटाफट में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। ऊना में वर्षा आश्रित कृषि कारोबार मौसम की दोहरी मार के चलते बर्बादी के मुहाने की तरफ बढ़ रहा, खेतों में खराब होने लगी फसल। किन्नौर जिला के ठंगी गांव के लोगों के लिए आतंक बना तेंदुआ, पिंजरे में कैद, लोगों ने ली राहत की सांस। 75वां गणतंत्र दिवस जिला हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिला प्रशासन ने तैयारियां की मुकम्मल, समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे शिरकत। सराहा बाजार के सौंदर्यीकरण करने व जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए सराहा बाजार में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जा रही, सराहा वासियों में खुशी का माहौल। डीएवी स्कूल बिलासपुर के होनहार कुश्ती खिलाड़ी प्रियांशु शर्मा को नेशनल कुश्ती में मिला कांस्य पदक, रणधीर शर्मा ने किया सम्मानित। हिमाचल में शनिवार को मौसम का नया रूप देखने को मिला, बारिश तो नहीं हुई पर आसमान में छाए बादलों से बारिश के आसार जरूर बन गए, आसमान में बादलों का डेरा, ठिठुरन बढ़ी। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के साथ लगते गांवों में चोरी का मामला आया सामने, शातिरों ने एक घर से 5 तोले सोने के गहने और 1.5 लाख रुपए नकदी पर किया हाथ साफ। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर और राजपाल यादव फिल्म के शूटिंग के सिलसिले में हिल्स क्वीन शिमला पहुंचे, पहली बार पाटेकर शिमला की वादियों का कर रहे रुख। कुल्लू के भुंतर टैक्सी यूनियन की कमान गुलाब सिंह को मिली, भुंतर टैक्सी यूनियन के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आगाज, बेहतर प्रदर्शन करने के बाद विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका। किन्नौर जिला के हांगो गांव के युवाओं ने अनूठी पहल कर पाइप से पानी लाकर उस पानी को नाले में गिराकर ग्लेशियर बनाने का एक बेहतर तरीका निकाला। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से शनिवार को आईपी आदर्श पब्लिक स्कूल नूरपुर में वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन, 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वरिष्ठ पेंशनर्स को किया सम्मानित। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।